जय श्री राधे मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल आस्ट्रॉजर डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल को आप सब देख सकते हैं फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें आ, बात करेंगे इंडिया वर्सेज श्रीलंका की और ये मैच होगा सात जनवरी दो का शाम के सात बजे का ये मैच रहेगा और इंडिया की बात करेंगे सबसे पहले तो के इंडिया की जो टीम है उसके कप्तान हैं हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या की यहाँ पे अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है एलेवेंथ अक्टूबर 1993 नाइन्टी थ्री यहाँ पर अगर टोटल इनका देख करके चलें तो सेवन नंबर मिल रहा है और इनका जो रूट नंबर मिल रहा है वो टू मिल रहा है वहीं पे इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो हार्दिक पांड्या डेफिनेटली इस मैच के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस देंगे हालाँकि लास्ट मैच में जो देखा गया था बहुत अच्छा स्कोर नहीं देखा गया था बारह बॉल पर बारह रन बना करके आउट हो गए थे मगर इस मैच में अगर स्कोर की हम बात करते हैं तो स्कोर काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और डेफिनेटली यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि तीस के आसपास जो है इनके स्कोर बना सकते हैं तीस से पैंतीस के आसपास स्कोर बना सकते हैं वहीं पर अगर यहाँ पे मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कुछ कमियाँ ज़रूर दिखेंगी मगर एक वो लास्ट मोमेंट आता है कि जब इंडिया को बकअप करने की ज़रूरत पड़ेगी तभी ये बकअप करेंगे स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि पहले पाँच से छः ओवर में जो है इनके विकेट्स एक या दो विकेट्स जो है गिर सकती हैं यहाँ पर अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो आ, बैटर्स में से जो मुझे अभी स्क्वाड डिटेल्स नहीं पता है तो जो मैं आपको प्लेयर्स कह रही हूँ अगर इसमें से खेल रहे हो तो आप उनको चूज़ कर लीजिएगा प्लीज़ तो यहाँ पे मैं सूर्य कुमार यादव का नाम लूँगी इसके अलावा आ, मैं लूँगी राहुल त्रिपाठी का नाम अगर ये खेल रहे हैं तो बॉलर्स में से अगर अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं तो अर्शदीप का डेफिनेटली मैं यहाँ पर नाम ले सकती हूँ और इसके अलावा जो है अगर यहाँ पे शिवम मावी खेल रहे हैं तो ये आप चूज कर सकते हैं ऑलराउंडर्स में से मैं डेफिनेटली हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर को चूज करूंगी तो ये तो हुई इंडिया की बात अब यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीलंका की श्रीलंका की कैप्टन है दसुन शनाखा और इनका अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं नाइन सितंबर 1991 टोटल इनका बन रहा है तीन इनका टोटल बन रहा है Uh, दो सॉरी दो इनका टोटल बन रहा है चंद्रमा का नंबर और इनका जो uh, रूट नंबर बन रहा है वो नाइन बन रहा है तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है मुझे यहाँ पे हार्दिक पांड्या का ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है डेट के अकॉर्डिंग बाकी इनका भी स्ट्रांग है क्योंकि जो नाइन होता है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है सिक्स से तो कहीं ना कहीं इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा ही दिख रहा है इस दौरान यहाँ पे अगर लास्ट मैच की बात करें तो बेहद ही खूबसूरत प्रदर्शन दिखाया था 22 बॉलों में छप्पन रन बनाए थे जो कि एक अच्छा हम स्कोर कह सकते हैं ठीक उसी तरह से यहां पे अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो डेफिनेटली मुझे यहां पे इनका परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रहा है एज कंपेयर टू हम अगर हार्दिक पांड्या की बात करें हार्दिक पांड्या स्कोर बनाएंगे मगर उस हिसाब से जो ये बना सकते हैं उस हिसाब से नहीं बन पाएगा यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली श्रीलंका इज मच मोर स्ट्रोंगर देन इंडिया तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी और फॉलो ऑफ विकेट भी इनके थोड़े कम ही रहेंगे इंडिया के मुकाबले पहले पांच छह छः ओवर में इनके जो है विकेट्स नहीं गिरेंगे अगर प्लेयर्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मैं दसवंत शनाका को कहूंगी ही आप लीजिए धनंजय डिसवा को ले सकते हैं वनिंदु इंदू हसरंगा को ले सकते हैं इसके अलावा बॉलर्स में से अगर खेल रहे हैं तो महिक थिक्साना और साथ साथ लहिरू कुमारा अगर प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लेना चाहें बैटर्स में से तो भनुका राजापक्ष अगर खेल रहे हैं तो इनको ले सकते हैं आसिन बंदारा को ले सकते हैं आप आ, वहीं पे अगर मैं बात करूँ अब टॉस विनिंग की तो टॉस विनिंग के चांसेस डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूँगी कि श्रीलंका के श्री ज़्यादा लग रहे हैं मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा टर्न एंड ट्विस्ट वाला होगा डेफिनेटली और आ, मुझे जितना जो प्रोडिक्श के अकॉर्डिंग लग रहा है वो ये है कि अगर मैच की मैं बात करूं टॉल जरूर होंगे हमें लगेगा एक टाइम पे तो इंडिया बिल्कुल हार चुकी है मगर 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 इंडिया अपने एफर्ट्स डाल करके ये कुछ भी कहो कैसे भी कहो ए, एक करश्मा हो सकता है जो इंडिया जीत जाएगी तो मुझे यहाँ पे अगर टीम की मैं बात करूं विनिंग टीम की तो डेफिनेटली आई गो विद इंडिया आपकी क्या राय है मुझे कैप्शन क्या, में या अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है बाकी देखेंगे मैच के दौरान क्या होता है अगर मेरे अकॉर्डिंगली जो है प्रिटिक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया के जीतने के इस मैच में ज्यादा से ज्यादा हैं तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत देखते कौशिक नमस्कार जय श्री राम